हेलो दोस्तों, टिकी कोचिंग राइज टू में आपका वेलकम। आज हम क्लास टेंथ वालों को देखिए, क्लास टेंथ वालों को सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो का बताते हैं। देखिए 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर का? देखिए 3 नंबर का आएगा एग्जाम में। देखिए आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं ताकि आपको जलेल दिया जाए। ओके माय डियर, देखिए सभी लोग लगे रहिए, देखिए फटाफट देखते रहिए जल्दी। बस 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर आपको समझा देंगे। देखिए कोई भी पोइम लिखने से पहले आपको ये 2 लाइन में खाली एक कई चीज लिखना है, सिर्फ ये कवि का नाम और पार्ट का नाम बदलेगा, ठीक है? जैसे स्नो, डस्ट ऑफ स्नो जैसे जो है ये बदलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, देखिए दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाई ए ग्रेट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकंड लाइन में ही रोट मेनी पोएम्स बट डस्ट ऑफ स्नो इज वन ऑफ देम, दो हो गया। तीसरा देखिए, इट इज ए सिंपल एंड शॉर्ट पोएम। चौथी लाइन है, द पोएट डिस्क्राइब अबाउट हिज मूड बाई द पोएम। देखिए 4 लाइन अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे आपको बताते हैं। चलिए देखिए सभी लोग को आ गया। चलिए फिर देखिए 4 लाइन अगर हो गया थी, 5वीं लाइन देखिए, ही इज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। छठवीं लाइन देखिए, ही स्टूड हेमलॉक ट्री, वह धतूरे के पेड़ नीचे खड़ा था। ए क्रोस सूक ए हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, फिल अपॉन द पोएट्स बॉडी। एक कौवा आया उस हेमलॉक के ट्री पर, क्या क्या करे, बर्फ के टुकड़े को उसके शरीर पर गिरा दिया, ठीक है। देखिए 8वीं लाइन देखिए, द पोएट्स माइंड एंड हार्ट चेंज, कवि का जो माइंड रहता है, माइंड और हार्ट जो रहता है वो बदल जाता है। ही गिव्स ए मैसेज, वह इस पोएम के देखिए, ही गिव्स ए मैसेज बाय ए पोएम बी ऑलवेज हैप्पी, वह इस पोएम के माध्यम से एक संदेश देना चाहता है कि हमेशा कि कोई भी परिस्थिति रहे आदमी को खुश रहना चाहिए। ओके माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ ए पर्सन, ठीक है, दे कैन, इस प्रकार किसी भी व्यक्ति का जो जीवन होता है, मूड होता है, वो बदल सकता है। ओके माय डियर, चलिए देखिए 2 मिनट के अंदर हमने आपको बता दिया। अगर नहीं समझ में आ रहा देखिए आप लोग फिर से देख लीजिए, एकदम सभी सभी लाइनों को देख लीजिए, ध्यान से देखिए। देखिए दिखाई दे रहा है, देखिए थोड़ा छोटा ऐसे हो जा रहा है, थोड़ा आपको बड़ा कर करके दिखाएं। अब बड़ा हुआ, चलिए सभी को दिखाई दे रहा है कि नहीं, सेंट्रल द पोएम। अब देखिए, चलिए ठीक है, चलिए इसकी स्टोरी भी हम बता देते हैं इसी में। देखिए आप लोगों को फिर से एक बार, अगर नहीं समझ में आया देखिए हम एक बार फिर आपको बता देते हैं ताकि आपको आसानी से बढ़िया समझ में आ जाए। देखिए दिस ब्यूटीफुल डस्ट ऑफ स्नो की स्टोरी आप सुनेंगे तो आपको जल्दी से आ जाएगा। देखिए 5 मिनट में खाली लेंगे, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बड़ा करेंगे। आप लोग एकदम अच्छी तरह से जानते हैं वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाते हैं। देखिए ये स्टोरी, देखिए डस्ट ऑफ स्नो में, देखिए डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ है कि बर्फ का एक टुकड़ा। देखिए कवि क्या रहता है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बहुत दुखी रहता है और एक हेमलॉक ट्री में धतूरे के पेड़ नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी क्या करता है, एक कौवा आता है, धतूरे के ब्रिज को हिलाता है, उसपे जो बर्फ का टुकड़ा जो रहता है वो कवि के शरीर में गिरता है, जिससे उसका क्या होता है, मन और हृदय बदल जाता है और वह खुश हो जाता है। बस इसी कहानी को मैंने डिस्क्राइब इस पोएम में किया है क्योंकि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम देखिए ये हो इस तरह हो गया। पहले जो होता था ऐसे नहीं आता था कि 4 लाइन कविता लिखी या तो सेंट्रल आइडिया लिखी, लेकिन अब ये बदल गया एनसीईआरटी ने। देखिए पहली लाइन का अर्थ है, दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये सुंदर कविता जो है एक महान कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। दूसरी लाइन में कहा गया, ही रोट मेनी पोएम्स बट डस्ट ऑफ स्नो इज वन ऑफ देम, देखिए उसने बहुत सी कविताएं लिखी है लेकिन डस्ट ऑफ स्नो जो है उसमें से एक है। तीसरी लाइन देखिए, इट इज ए सिंपल एंड शॉर्ट पोएम, ये बहुत छोटी, मतलब ये बहुत साधारण छोटी पोएम है। चौथी लाइन में, द पोएट डिस्क्राइब अबाउट हिज मूड ऑफ द पोएट, देखिए कवि ने, ठीक है, इस कविता में अपने मूड के बारे में बताया, मूड उसका मूड बहुत दुखी रहता है। पांचवी लाइन में, ही वेरी सैड, वो दुखी रहता है। छठवीं लाइन में, ही स्टूड हेमलॉक ट्री, वो जगह धतूरे के पेड़ नीचे खड़ा रहता है। सातवीं लाइन देखिए, एक क्रो सूक ए हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट ऑफ स्नो फेल अपॉन द पोएट्स माइंड, देखिए एक कौवा क्या हेमलॉक ट्री, देखिए हेमलॉक ट्री को क्या करता है, हिला देता है और एक बर्फ का टुकड़ा जो रहता है उसके शरीर पर, मतलब कवि के शरीर पर गिर जाता है। आठवीं लाइन देखिए, द पोएट्स माइंड एंड हार्ट चेंज, कवि का जो माइंड रहता है, मतलब ये माइंड और हार्ट जो रहता है वो बदल जाता है। ही गिव्स ए मैसेज बाय ए पोएम बी ऑलवेज हैप्पी, वह इस पोएम के माध्यम से एक संदेश देना चाहता है कि हमेशा खुश रहना चाहिए।
दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ पर्सन। इस प्रकार आप खुश रहेंगे तो आपका मूड जो आदमी किसी भी व्यक्ति का मूड और जो ये दिमाग रहता है कुछ भी कर सकता है, यानी वो कुछ भी सोच सकता है। ठीक है, ये मेरा वीडियो कैसा लगा जो लाइक और कमेंट बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगले वीडियो अगला पॉइंट हम आपको का सेंट्रल आइडिया बनाकर आपको देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, पाँच मिनट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।